नमस्कार आज के स्टूडियो में मैं आपको राशन कार्ड से संबंधित बहुत सारे सर्विसेज के बारे में बताने जा रहा हूं हमारे चैनल पर राशन कार्ड को लेकर के एक लंबी सी सीरीज़ आ रही है जिसमें राशन कार्ड में जितने भी सर्विसेज हैं सभी सर्विसेज को आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से बताने जा रहा हूँ आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको राशन कार्ड के कुछ मूलभूत चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसमें अलग अलग कार्यों को आप किस प्रकार से कर सकते हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस को लेकर के आऊँगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं राशन कार्ड से संबंधित जो जो चीज़ें बताऊँ वो सारी चीज़ें जो है वो आप खुद कर पाएँ तो मैं राशन कार्ड से संबंधित कौन कौन चीज़ों के बारे में आपको बताने बताने जा रहा हूँ अलग अलग वीडियोस के माध्यम से तो सबसे पहले तो आपको जो है वो राशन कार्ड में अगर किसी सदस्य को जोड़ना है तो वो आप कैसे करेंगे किसी सदस्य को हटाना है तो वो आप कैसे कर सकेंगे इसके अलावा अगर किसी के नाम में किसी प्रकार का गलती है या बदलाव है तो उसे आप कैसे ठीक कर पाएंगे पेट्रोल सब्सिडी जो अभी सरकार चला रही है जिसमें ढाई सौ रुपये प्रति महीने मिलता है उसका लाभ आप कैसे उठा पाएंगे इसके अलावा आपका अगर आधार नंबर गलती है तो उसे कैसे आप सुधार कर पाएंगे अगर आप परिवार के सदस्य को बदलना चाहते हैं मतलब एक एक राशन कार्ड से दूसरे राशन कार्ड में अगर उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे और इसके अलावे आप अगर मुखिया का परिवर्तन करना चाहते हैं आपके राशन कार्ड में अभी राशन कार्ड का जो मुखिया होगा वो कोई और होगा किसी और को आप अगर आप बनाना चाहते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं और इस प्रकार से ढेरों सारे सर्विसेज हैं मोबाइल नंबर को कैसे आप सुधार कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये सारे काम आप बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और उसके बाद जो है आपका ये काम हो जाएगा अगर नहीं होता है तो वैसे स्थिति में आपको हो सकता है प्रखंड आपूर्ति कार्यालय जाना पड़े लेकिन आमतौर पर यह ऑटोमेटिकली हो जाता है कुछ महीनों में तो आपको क्या करना है इसके लिए ये वाला वेबसाइट जो है इसी वेबसाइट पर आना है आप देख सकते हैं आहार डॉट झारखंड डॉट जी ओ वी डॉट इन ये झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां राशन कार्ड से संबंधित सारे कार्यों को आप कर सकते हैं और यहां पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं ऑनलाइन सेवा और इसमें ऑनलाइन आवेदन आपको ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है 啊。<laughs> ऑनलाइन आवेदन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन होगा आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो यहाँ से आप सीधे सीधे इस पर आ सकते हैं अगर आप नया राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है पहले रजिस्ट्रेशन करना है फिर लॉग इन करके जो जो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो सारा करना है और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है तो आपका राशन कार्ड अप्लाई हो जाएगा और बीच बीच में आप यहाँ से आप स्थिति को चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बना कि नहीं बना इसके अलावा जिनका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है उसमें सदस्य को जोड़ना है हटाना है किसी प्रकार से कोई परिवर्तन या सुधार करना है तो वैसी स्थिति में आपको ये वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा कार्ड होल्डर लॉगिन ये वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप आएंगे तो आपको जो है वो लॉग इन करना है आप अपने राशन कार्ड में और फिर वहाँ पर अगर आप नाम में बदल नाम बदलना चाहते हैं या रिलेशन बदलना चाहते हैं मेल फीमेल में गलती है वो सब अगर करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको ये वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा और अलग अलग अगर आप ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट भी लगेगा अगर मान लीजिए अगर आप नाम में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको देना होगा अगर आप मेल फीमेल चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा इस बारे में भी आप मैं आपको यहां पर बता रहा हूं तो इसके लिए आप ये वाला डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है यहां पर इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे मैं इसे अलग टैब में ओपन करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर नेम चेंज यानी नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपलोड करना है अगर आप जेंडर चेंज करना चाहते हैं मेल फीमेल को अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म आपको अपलोड करना है मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म अपलोड करना है रिलेशन चेंज करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म अपलोड करना है इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिक्लेप्शन फॉर्म है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो वाला फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर नाम चेंज के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए ओपन हो रहा है डाउनलोड नहीं हो पाया यह संभवतः फिर से देखते हैं ट्राई करके जी हाँ ये डाउनलोड हो गया देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला डिक्लेपन फॉर्म आपको अपलोड करना है मान लीजिए आपको अगर किसी फैमिली मेंबर को हटाना है तो यहाँ देखिए रिमूव मेंबर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है उसके बाद जो डिक्लेशन फॉर्म यहाँ पर अभी डाउनलोड होगा वही वाला आपको भर करके और अपलोड करना है आप देख सकते हैं यहां पर फिर से ये वाला ये वाला जो है वो आपको अपलोड करना है भर करके जो जो यहाँ पर डिटेल्स मांगा गया वो सारे डिटेल्स को भर करके आपको अपलोड करना है और मैं अब बताता हूं कि आपको यह काम कैसे करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेगा आप कैसे आपको पता चलेगा देखिए यहां पर है चेक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डीलर अगर बदलना चाहते हैं तो आप यहां क्लिक करेंगे तो इसमें भी डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो इसमें भी डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा यही सब डिक्लेरेशन जो मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया ये वाला इसके अलावा अगर आप मेंबर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है आपको जैसे मान लीजिए होता है क्या है ना कि महिला का शादी हो गया किसी लड़की का शादी हो गया तो यहां से वो दूसरे जगह चली गई तो उसका नाम इस राशन कार्ड से उस राशन कार्ड में आप ट्रांसफर कर सकते हैं अगर एक जिले के भीतर में शादी हुआ है तो तो आप वैसी स्थिति में ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई डॉक्यूमेंट आपको आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर आधार नंबर में अगर आप सुधार या परिवर्तन करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में जो है आप ये वाला ऑप्शन को इसमें आपको आधार कार्ड और सेल्फ डिस्क्रिप्सन दोनों अपलोड करना पड़ेगा इसमें दो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा सदस्य के नाम में सुधार परिवर्तन चाहते हैं तो आधार कार्ड या स्कूल सर्टिफिकेट या नोटरी के द्वारा एफिडेफिट फीड़ और सेल्फ डिक्रप्शन दो डॉक्यूमेंट इसमें बीच लगेगा तो इसी प्रकार से आप अलग अलग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसमें देख सकते हैं कि किस में क्या क्या लगेगा पेट्रोल सब्सिडी में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता आप या नीचे में देख सकते हैं इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो ये वाला सेल्फ डिक्लेशन अपलोड करना होगा ये सेल्फ डिस्क्रप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए डी यानी डेट ऑफ बर्थ चेंज के लिए ये वाला डिक्लरेशन चाहिए तो इस प्रकार से राशन कार्ड में आप जो जो काम करेंगे उसके लिए कौन कौन सा फॉर्म लगेगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके और सारा जो फॉर्म है वो डिकलेशन फॉर्म वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अलग अलग सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले तो अगर नया राशन कार्ड अप्लाई करना है तो ये वाला ऑप्शन पर आपको आना है मैं आपको एक अलग वीडियो में करके दिखाऊंगा इस चीज़ को कि आप किस प्रकार से नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं मेरा आने वाला जो वीडियो होगा हो सकता है कि वीडियो सीरियली ना हो बीच में कोई दूसरा वीडियो भी आ जाए जो इम्पोर्टेंट आ जाएगा कुछ वीडियो तो मैं उसको भी बीच में डालूंगा तो आप जो है वो मेरे चैनल को अगर लगातार फॉलो करके रखिएगा तो आपको ये सारा जो है वो अपलोड किस प्रकार से ये सारे कामों को करना है आपको दिख जाएगा और अगर आपको किसी अन्य प्रकार से आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन करना चाहते हैं सदस्य को जोड़ना चाहते हैं हटाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है कार्ड होल्डर लॉगिन के ऊपर इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कार्ड होल्डर लॉगिन के ऊपर तो आपको जो है यहाँ पर कार्ड होल्डर लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपका राशन कार्ड नंबर और जो है वो पासवर्ड के द्वारा लॉग कर पाएंगे देखिए दो तरीके से लॉगिन इन कर पाएंगे एक राशन कार्ड नंबर और पासवर्ड के द्वारा और दूसरा आधार कार्ड के द्वारा आधार कार्ड और ओ के द्वारा कौन सा ओ आधार कार्ड में जो मोबाइल जुड़ा होगा उस पर ओ आएगा उसको द्वारा आप लॉग कर पाएंगे तो ये वाला ऑप्शन अभी पूरा पूरी चालू नहीं हुआ है इसमें अभी आ, कुछ एक ही मात्र सर्विस आया है सिर्फ ट्रांसफर करने का इसके ऊपर में भी अलग से बनाऊंगा वीडियो लेकिन अभी इसमें पूरा सर्विस आने दीजिए या हो सकता है कि मैं ऐसे भी बीच में बना दूं लेकिन अगर आप ये वाला सर्विस का इस्तेमाल सब सबको ये भी कर सकते हैं राशन कार्ड और पासवर्ड के द्वारा इस पर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए राशन कार्ड नंबर चाहिए यहाँ पे अलग अलग कार्ड जो है वो वाला चाहिए मतलब यहाँ राशन कार्ड अपनो, अपना डालना है राशन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा कार्ड है ग्रीन कार्ड है या पी एच ए वाई वाइट कार्ड है आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर पासवर्ड डालना है मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो हेड ऑफ फैमिली जो है मतलब आपके परिवार का जो मुखिया है राशन कार्ड में जो मुखिया है उसका आधार कार्ड का आखिरी आठ अंक इसमें डालना है और ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन कर देना है तो मैं यहाँ पर एक राशन कार्ड नंबर डालता हूँ यहाँ पे कार्ड तो यही वाला रहेगा और यहाँ पर मैं जिसका भी है जो उस राशन कार्ड का हेड है उसके आधार का आखिरी आठ अंक यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कैप्चा कोड को डाल करके और लॉग करता हूँ तो मैंने एक राशन कार्ड को यहाँ पर लॉगिन कर लिया है मैं इधर की चीज़ों को हाइड करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ बाकी आप देख सकते हैं परिवार के सदस्य को जोड़ने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है डीलर बदलने के लिए ये वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है मोबाइल नंबर में सुधार या परिवर्तन के लिए ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है अगर आप अपने राशन कार्ड से दूसरे राशन कार्ड में कोई किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है आधार नंबर में सुधार या परिवर्तन चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है सदस्य के नाम में परिवर्तन चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है मुखिया क्या में परिवर्तन चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है परिवार के सदस्य को हटाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो ये वाला क्लिक करना है अगर आप मेल फीमेल में चेंज करना चाहते हैं तो ये वाला रिलेशन में बदलना चाहते हैं तो ये वाला डेट ऑफ बर्थ सुधार चाहते हैं तो ये वाला पेट्रोल सब्सिडी चाहते हैं तो ये वाला इस प्रकार से ढेरों सारा ऑप्शन यहाँ पर है मैं एक एक करके सबके ऊपर वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और मैं अपने आने वाले जो वीडियोज होगा उसमें मैं इन सभी ऑप्शन को आपको एक एक करके सारे ऑप्शन को करके दिखाऊँगा कि आप कैसे इस काम को कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की आवश्यकता हो होगी तो वीडियो आप शेयर कीजिए लोगों तक और साथ में चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा करके रखिए आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही बढ़िया हो सकता है धन्यवाद